हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इतनी भीषण गर्मी के बाद भी मैं आपको फ्री में वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ डेली बेसिस पर। एंड दोस्तों, जो आपका बीपीएससी TRE3 का एग्ज़ाम है उसका डेट फिर से होल्ड हो गया, रोक दिया गया है। जो 20 जून के बाद एग्ज़ाम होना था, अब वह 20 मई के बाद होने की संभावना नहीं है, लेकिन होगा, जल्दी ही होगा। आप अपना तैयारी बनाए रखिए। उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो पहले से संविदा शिक्षक हैं और अतिथि शिक्षक हैं, उन सबको कुछ प्रायोरिटी देने के लिए, जैसे कि एक साल यदि वो नौकरी किए हैं तो 5 अंक बोनस के रूप में दिया जाएगा, अधिकतम 25 अंक। ये चीज़ निर्धारित करने के लिए कुछ समय के लिए रोका गया है, बट एग्ज़ाम आपका जल्दी होगा, TRE4 भी होगा। आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, क्योंकि जितना समय टलेगा उतना ही कंपटीशन हार्ड होगा, इसलिए आप तैयारी भी उतना ही तेज़ी से करते रहिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिक्रिया का समय एक घटक है। प्रतिक्रिया समय यानी रिएक्शन टाइम, यानी कि जैसे कि 100 मीटर का दौड़ है और आने और मास सेट एंड गो, बंदूक की आवाज़ सुनते ही तुरंत प्रतिक्रिया कर रहा है, यानी कि आवाज़ सुनते ही दौड़ना चालू कर देता है, ये रिएक्शन टाइम होता है। ये मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस का भाग है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा, मोटर स्वच्छता। नेक्स्ट है क्रिया जो रिएक्शन टाइम को मापती है। तो जो रिएक्शन टाइम होता है प्रतिक्रिया समय, उसको मापता कौन है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप जो है वो पैरों की विस्फोटक क्षमता को मापता है, सार्जेंट जंप भी है जो पैरों की विस्फोटक क्षमता को मापता है, शटल रन जो है एजिलिटी यानी चपलता को मापता है। यहाँ पे रिएक्शन टाइम को क्यों कौन मापता है? तो स्ट्रीक ड्रॉप टेस्ट मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन, एकमात्र विटामिन जिसमें कोबाल्ट धातु सहयोगी तत्व के रूप में पाया जाता है। विटामिन B12 जो है रक्त के निर्माण में विशेष सहयोग देता है, DNA के संश्लेषण में भी सहयोग देता है। विटामिन B12 की कमी से पर्निशियस एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रक्त अल्पता यानी एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलन संबंध प्रत्यावर्तन या प्रिंसिपल ऑफ एडॉप्टेशन सिद्धांत किसने दिया? तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है पावलोव ने, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलन की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जो अंततः निष्पादन क्षमता को बढ़ाती है, किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, सीखने के सिद्धांत से संबंधित यह क्वेश्चन है। जो अनुकूलन की वैज्ञानिक प्रक्रिया जो अंतर निष्पादन क्षमता को बढ़ाती है, उसे कहा जाता है भार के अग्रगमन का सिद्धांत। नेक्स्ट है, आत्मविश्लेषण द्वारा अपने व्यवहार के निरीक्षण को क्या कहते हैं? तो अपने आप विश्लेषण करके अपने व्यवहार का निरीक्षण करने को अंतर निरीक्षण विधि कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान में ज्ञान पक्ष अथवा अभिज्ञा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, मनोविज्ञान में ज्ञान पक्ष और अभिज्ञा को बोध पक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नतर तथा उच्चतर प्राणियों में व्यवहार के विशिष्ट रूप की जन्मजात प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? जैसे दोस्तों, भूख प्यास ये सब क्या है? जन्मजात प्रवृत्ति है। भोजन को देखकर लार टपक जाना ये क्या है? जन्मजात प्रकृति है। उच्चतर निम्नतर सभी प्राणियों में इसे मूल प्रवृत्ति या इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है वो मैकडूगल ने दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, खेल कूद में संवेग के प्रशिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो दोस्तों, उसका सर्वोत्तम विधि होता है उदात्तीकरण, सब्लिमेशन। इसका आप अर्थ दूसरे वीडियो में बताऊंगी, या आप गूगल पे से सर्च कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग प्रमुख रूप से विव्यवस्थाएं करने में से संबंधित है। सॉरी दोस्तों, यहाँ संवेग नहीं है, संगठन है। संगठन क्या है? एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का एक जगह इकट्ठा होकर किसी
कार्य को करना संगठन है। तो यहाँ पे संगठन प्रमुख रूप से वे व्यवस्थाएं करने से संबंधित है जिसमें संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम का उद्देश्य व्यवहारिक रूप से प्राप्त हो सके। यह कथन किसका है दोस्तों? ये कथन है जेके सियर्स का। संगठन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, संगठन एंड प्रशासन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों में से किसी समूह की किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की गई समान क्रियाएं ही संगठन के अंतर्गत आती है। याद रखिएगा ये जो लाइन है कि व्यक्तियों में से किसी समूह की किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की गई समान क्रियाएं ही क्या है? संगठन के अंतर्गत आती है। जब व्यक्ति पारस्परिक संबंध बनाने में संलग्न होते हैं तथा किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक व नियमित व्यवहार अपनाते हैं तभी संगठन का प्रादुर्भाव होता है। इस बात को किसने कहा है? इस बात को कहा है S.S. मुखर्जी ने। संगठन की जो परिभाषा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि संगठन किसे कहते हैं। नेक्स्ट, संगठन का संबंध उन गतिविधियों से है जिनके द्वारा अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किसी ऊंचे या संरचना निर्माण किया जाता है। किसके विचार हैं दोस्तों? यह विचार है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च का। नेक्स्ट है, संगठन कार्य करने की मशीन है। क्या है? मशीन है। यह विशेषता व्यक्तियों, सामग्री, विचारों, प्रत्ययों, प्रतीकों, नियमों, कानूनों अथवा अक्सर इनके सम्मिश्रण से निर्मित होता है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है आर्थर बी मोहिलमैन का। नेक्स्ट है, संगठन का संबंध संरचना तथा मानव संबंध दोनों से है। तो संगठन का संबंध संरचना और मानव संबंध दोनों से है, यह कथन किसने कहा है? इस कथन को कहा है डिमॉक ने। नेक्स्ट दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति जो प्रशासन शब्द है वो लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से लिया गया है। जैसे कि जो संगठन होता है किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोग इकट्ठा होते हैं उस कार्य को करने के लिए, बट उसमें कार्यों का निर्धारण और उसमें अनुशासन बनाने के लिए सबको अलग अलग कार्य सौंपा जाता है, उसे एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रशासन शब्द का निश्चित स्वरूप व अर्थ का निर्धारण जर्मनी तथा ऑस्ट्रेलिया में विकसित निम्न विचारधारा ने किया है। तो वह विचारधारा है कमर्शियल विचारधारा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन देखिएगा, धैर्य बना के देखिएगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है। आपको लगेगा कि एक ऐसा क्वेश्चन है हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम नहीं देखेंगे, तो वहीं आप पे आपको धैर्य जहाँ पे गया वहीं पे सिलेक्शन रुकता है, इसे धैर्य बना के देखा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण शिक्षक के शिक्षण कार्य के नियम और शिक्षण सेवा में सुधार लाने से संबंधित है। तो इस बात को किसने कहा है दोस्तों? इस बात को कहा है बर्टन ने। देखिए, एक संगठन हो गया जिस समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, और प्रशासन क्या हो गया? एडमिनिस्ट्रेशन, उसको कार्य सौंपा जाता है सबको अलग अलग, और पर्यवेक्षण क्या होता है? उसकी देखरेख या जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण शिक्षकों के कार्य को उत्तम बनाने में सहायता करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है किसी, इसमें से किसी का नहीं है दोस्तों, यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्रिएशन शब्द किससे मिलकर बना है? रिक्रिएशन मतलब री प्लस क्रिएशन, री मतलब पुनः, क्रिएशन मतलब निर्माण करना। तो रिक्रिएशन जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों री प्लस क्रिएशन से मिलकर बना हुआ है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। री से मतलब होता है पुनः, क्रिएशन से निर्माण, यानी रिक्रिएशन से तात्पर्य होगा पुनः निर्माण करना, पुनः ऊर्जान्वित हो जाना। नेक्स्ट है, हिंदी का मनोरंजन शब्द किससे मिलकर बना है? तो मनोरंजन, मनोधन रंजन यानी मन को आनंदित करने वाला, मनोधन रंजन से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानक लक्ष्य सबसे अधिक परिवर्तनशील है? तो दोस्तों, एक शिष्टाचार हो गया, बन जाता है, बहुत देर तक चलता है, रूढ़ी जो होती है रूढ़िया समाज में, वो एक बार बन जाती हैं बहुत सदियों लग जाता है उसको बदलने में। जन रीतियां भी वही चीज़ हैं, बट फैशन जो है वो बदलता रहता है जल्दी जल्दी। नेक्स्ट, सामाजिक आदर्श समूह की अपेक्षाएं हैं।
समूह मानक लक्ष्य की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? तो दोस्तों, इस परिभाषा को दिया है किम्बल यंग ने। नेक्स्ट है, मानव समाज की मौलिक इकाई के रूप में समाजीकरण का सर्वप्रथम साधन कौन सा होता है? दोस्तों, समाजीकरण की प्रक्रिया जो होती है, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया, परिवार से ही सबसे पहले शुरू होती है, इसलिए परिवार ही समाजीकरण का सर्वप्रथम साधन है। नेक्स्ट है, अगर बिहार राज्य की 16 वर्ष की लड़कियों की ऊंचाई के लिए एक मानक तैयार कर रहे हैं तो आपके लिए निम्न में से किस तरह का मानक ज्ञात करना उत्तम होगा? तो दोस्तों, आयु ज्ञात करना है तो आयु मानक ज्ञात करना उत्तम होगा। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु मानक का निर्माण निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त होता है? तो दोस्तों, आयु मानक जो होता है उसका निर्माण वैसे सील गुण जो व्यक्ति की उम्र बीतने के साथ साथ एक क्रमबद्ध परिवर्तन दिखलाते हैं उसके लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है, मनोरंजन वह अनुभव अथवा क्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से व्यस्त होता है क्योंकि व्यक्ति को उसमें व्यक्तिगत आनंद तथा संतोष मिलता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों, यह कथन है बटलर जेरी का। और यह भी याद रखिएगा, जो इसमें बात कहा गया है कि मनोरंजन वह अनुभव अथवा क्रिया है जो व्यक्ति स्वेच्छा से व्यस्त होता है, किसी की जबरदस्ती करने पर नहीं, यानी किसी के दबाव में नहीं, स्वेच्छा से जो उसमें व्यस्त होता है वही मनोरंजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन एक गति नहीं है अपितु एक संवेग है या एक व्यक्तिगत अनुक्रिया है, एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है, यह जीवन का मार्ग है, जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है, इस बात को किसने कहा है? इस बात को कहा है सॉल्सन ने। नेक्स्ट है, खेल ट्रेनिंग एक योजनाबद्ध एवं नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस बात को कहा है मार्टिन ने। खेल ट्रेनिंग की यह परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी खेल ट्रेनिंग को एक योजनाबद्ध और नियंत्रित प्रक्रिया किसने कहा है जिसके माध्यम से लक्ष्य की प्राप्ति होती है? तो मार्टिन ने कहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, खेल ट्रेनिंग खिलाड़ी का मौलिक स्वरूप है, तो इस बात को कहा है मर्टवी वे ने। तो खेल ट्रेनिंग को योजनाबद्ध तरीका कहा है मार्टिन ने, और खेल ट्रेनिंग खिलाड़ी का मौलिक स्वरूप कहा है मर्टवी वे ने। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, खिलाड़ी का आधार एवं नींव प्रदान करने के लिए सामान्य गामक योग्यता या गुणों का विकास सामान्य अनुकूलन कहलाता है। यह बात किसने कहा है? यह बात किसके अंतर्गत आता है? ये सामान्य अनुकूलन सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खेल ट्रेनिंग के गामक गुणों एवं योग्यताओं का विकास चाल शक्ति और तकनीकी कौशल के दृष्टिकोण के साथ किया जाता है, यह सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? ये सभी खेल के सिद्धांत के अंतर्गत आ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर यह विशिष्ट अनुकूलन के अंतर्गत आएगा क्योंकि विशेष गुणों को, योग्यताओं को, चाल शक्ति तकनीकी के द्वारा खेल ट्रेनिंग के गामक गुणों को विकसित किया जा रहा है, तो वो विशिष्ट अनुकूलन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, खेल ट्रेनिंग का उद्देश्य प्रतियोगिताओं में उच्च स्तर प्रदर्शन प्राप्त करना होता है। खेल ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या होता है? प्रतियोगिताओं में उच्च स्तर प्रदर्शन प्राप्त करना, अच्छा परफॉर्मेंस करना, एवं खेल ट्रेनिंग की प्रक्रिया लंबी अवधि तक चलने वाली एवं प्रयुक्त प्रदर्शन युक्त होती है, यह क्या कहलाती है दोस्तों? तो यह कहलाती है खेल प्रतियोगिता प्रदर्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल एवं खेल प्रदर्शन प्राप्त करने की खेल ट्रेनिंग एक योजनाबद्ध एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है, यह क्या कहलाती है? दोस्तों, यह योजनाबद्ध एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, 12 महीने से वर्षों तक की ट्रेनिंग क्या कहलाती है? दोस्तों, आपको पता ही है कि प्रशिक्षण चक्र यानी ट्रेनिंग साइकिल को तीन भागों में बांटा गया है, माइक्रो चक्र, मीजो चक्र एंड माइक्रो चक्र। माइक्रो चक्र जो होता है 3 से 12 महीने का होता है, जिसे सबसे बड़ा ट्रेनिंग साइकिल होता है, जिसे ट्रेनिंग योजना भी कहते हैं। और दूसरा होता है मीजो चक्र, जो 3 से 6 सप्ताह तक का होता है, 1 से 1.5 माह का, जिसे मासिक चक्र या मासिक ट्रेनिंग चक्र, अवस्थान चक्र, मध्यम चक्र भी कहा जाता है। तीसरा होता है माइक्रो चक्र, जो सबसे छोटा चक्र 3 से 10 दिन या 1 सप्ताह का होता है, जिसे सूक्ष्म अवधि या साप्ताहिक चक्र भी कहते हैं।
यहाँ 12 महीनों से वर्षों तक की ट्रेनिंग क्या कहलाती है, तो मैक्रो चक्र कहलाती है। याद रखिएगा, कौन सा चक्र कहलाएगी? मैक्रो चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक ट्रेनिंग या 3 से 7 सप्ताह तक की ट्रेनिंग क्या कहलाती है? तो दोस्तों 3 से 6 या 7 सप्ताह यानी कि 1 से 1.5 माह की जो भी ट्रेनिंग साइकिल होता है उसे मीजो चक्र कहा जाता है, यानी मासिक ट्रेनिंग चक्र। नेक्स्ट है, साप्ताहिक ट्रेनिंग अथवा 5 से 7 दिन तक ट्रेनिंग क्या कहलाती है? तो साप्ताहिक ट्रेनिंग या 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग साइकिल जो होती है उसे कहा जाता है माइक्रो चक्र या सूक्ष्म अवधि चक्र। नेक्स्ट दोस्तों, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के किस धातु से हुआ है? तो दोस्तों योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की युज धातु से हुआ है। यहाँ युज धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना या मिलाना। नेक्स्ट है, योग आत्मसंस्कार का एकमात्र उपाय है, इस परिभाषा को किसने दिया है? दोस्तों योग की परिभाषा से रिलेटेड 8-10 क्वेश्चन है इसमें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, परिभाषा से अवश्य पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से देखिए। योग आत्मसंस्कार का एकमात्र उपाय है, इस बात को कही है संपूर्णानंद ने। नेक्स्ट है, सभी चिंताओं का प्रत्याग कर निश्चिंत हो जाना ही योग है, यानी योग चित्त वृत्ति निरोधः, इस बात को कहे हैं महर्षि पतंजलि ने। यहाँ पे महर्षि पतंजलि दिया नहीं है ऑप्शन में, तो महर्षि पतंजलि ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? योग शास्त्र। तो महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र में की है इस बात को, योग चित्त वृत्ति निरोधः, सभी चिंताओं का प्रत्याग करना कि निश्चिंत हो जाना ही योग है, योग शास्त्र की में कहा गया है महर्षि पतंजलि के द्वारा। नेक्स्ट है, जो मनुष्य आहार विहार में दूसरे कर्मों और सोने जागने के परिस्थित रहता है उसका योग दुखनाशक होता है, इस बात को किसने कहा है दोस्तों? तो इस बात को कहा है श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने, और श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि योग कर्म सुकौशलम, कर्म करने का योग ही कौशल, कर्म करने का कौशल ही योग है, इसको भी उन्होंने कहा है। नेक्स्ट है, चित्त की वृत्तियों को पूर्तिया रोक देना योग कहलाता है, यह कथन किसका है? तो योग चित्त वृत्ति निरोधः, इस बात को कहा है श्री पतंजलि ने। नेक्स्ट है, कर्म करने की निपुणता ही योग है, तो योग कर्मसु कौशलम, यानी कि कर्म करने की कुशलता ही योग है, इस बात को कहा है भगवद गीता ने में श्री कृष्ण ने कहा है। नेक्स्ट दोस्तों, योग का अर्थ समाधि है, ठीक है, तो योग का अर्थ समाधि है, योग समाधि है, इस बात को कहा है महर्षि वेद व्यास का कहना है कि योग क्या है, एक समाधि है। नेक्स्ट है, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का योग ही नाम ही योग है, तो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम ही योग है, इस बात को किसने कहा है? महर्षि महात्मा याज्ञवल्क्य ने कहा है। नेक्स्ट है, योग उस साधना प्रणाली का नाम है जिसके द्वारा जीवात्मा तथा परमात्मा की एकता का अनुभव होकर परमात्मा के साथ आत्मा का संयोग होता है, इस कथन यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य सारी शिक्षा का प्रयोग करता था, क्यों करता था दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल में जो मनुष्य होता था सारी शिक्षा का जो प्रयोग करता था वह अपनी रक्षा और भोजन हेतु करता था, क्योंकि वहाँ पे एक व्यवस्थित जीवन नहीं था, जगह जगह जाकर के घुमंतू जीवन बिताते थे आदिमानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं की जाती थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में भाला फेंका जाता था, घुड़सवारी, धनुर्विद्या था, नृत्य था, गायन था, बट जिम्नास्टिक नहीं की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईसा से 2500 वर्ष पूर्व यानी 2500 ईसा पूर्व चीनवासी किस उद्देश्य से शारीरिक व्यायामों में भाग लेते थे? दोस्तों 2500 ईसा पूर्व में जो चीन के लोग थे वो शारीरिक व्यायाम में इसलिए भाग लेते थे क्योंकि वो हष्टपुष्ट और स्वस्थ रह सके, यानी रोगों के निवारण हेतु शारीरिक व्यायाम में भाग लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैच्छिक मांसपेशी में जल तथा विद्युतीय अपघटकों यानी इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन में असंतुलन होने पर किस चोट की संभावना बनी रहती है?
दोस्तों उसे हम मसल्स क्रैम्प कहते हैं। एकाएक आप बैठे हैं, सोए हैं, एकाएक तेजी से दर्द होता है, आप उठ के चलने लगते हैं, कुछ देर बाद सही होता है। यह हमारे मांसपेशियों में जल और विद्युत अवघटकों की कमी से होता है, उसमें असंतुलन हो जाने से होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मसल स्क्रैम्प को मसल स्पॉजम एंड दोस्तों यहाँ पे मसल स्पॉजम एंड मसल स्क्रैम्प, मसल स्पॉजम एंड मसल स्क्रैम्प दोनों एक ही चीज़ को कहते हैं, इसलिए यहाँ पे आसन नंबर ग राइट हो जाएगा। क ख दोनों याद रखिएगा सिमिलर वर्ड को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों का कठोर होना क्या कहलाता है? तो दोस्तों मांसपेशियों का कठोर होना मसल स्टिफनेस कहलाता है, ठीक है, मसल्स स्टिफनेस कहलाता है। यहाँ पे हेमाटोमा किसे कहा जाता है? अचानक चोट लगने पर अंदर की जो रक्त होता है जम जाता है और तरल अवस्था में होता है, उसे हेमाटोमा कहते हैं। स्ट्रेन का होता है जो मांसपेशी टेंडन में अत्यधिक खिंचने को स्ट्रेन या खिंचाव कहते हैं। और स्प्रेन का होता है लिगामेंट जो दो हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ता है, तो लिगामेंट के अत्यधिक खिंच जाने को स्प्रेन या मोच कहा जाता है। दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जो भी परेशानी होगा, जो भी कंफ्यूज होगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और जिसे सभी लोग मिलकर सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह आप प्रैक्टिस डेली बेसिस पर करते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए जिससे अन्य लोगों तक वीडियो पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।